सभी साथियों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश मौसम की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। अचानक उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। जबरदस्त तरीके से मानसून एक्टिव हो गया है और आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। पूर्वांचल में अलर्ट जारी किया है और सोनभद्र और मिर्जापुर में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर बादल भी फट सकते हैं, संपूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे। और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट है, भारी बारिश का साइन है। गर्जना के साथ मूसला बारिश यहां पर भी देखने को मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त करीब पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के 30 शहरों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। आज उत्तर प्रदेश के 30 से 40 शहरों में फिर से गहरे काले बादल एक साथ एक्टिव हो सकते हैं और मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। करीब प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मानसून का डीप डिप्रेशन झारखंड की तरफ मुड़ गया है। झारखंड के आसपास प्रदेश में अब अच्छी खासी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने बताई है। इसी के कारण पूर्वांचल में इसका असर देखने को मिलेगा और जबरदस्त गहरे काले बादल छा जाएंगे और फिर यहां पर तांडव होगा, यानी कि बादल भी फट सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे पिछले 24 घंटे में सोनभद्र में अच्छी बारिश गिरी है, यहां पर 36 एमएम पानी गिरा है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, वाराणसी, बलरामपुर, चित्रकूट में अच्छी बारिश देखने को मिली है। बाकी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जबरदस्त गहरे काले बादल आ चुके हैं। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं कॉमेंट कर जरूर बताएं और आपके यहाँ पर बादल किस प्रकार व्यवस्थित हैं और किस प्रकार गहराई में बादल पहुंचे हैं, बारिश की उम्मीद कितनी है, कमेंट कर जरूर बताएं। आपको हम बताना चाहेंगे अगले 24 घंटे में दो जिलों में रेड अलर्ट है, सोनभद्र और मिर्जापुर। यदि आप इन जिलों से हैं तो थोड़ा सतर्क और सावधान हो जाइए, यहां पर बादल भी फट सकता है। इसके अलावा प्रयागराज, चंदौली, चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा, इन क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश आपको अगले 24 घंटे में देखने को मिलेगी। आज यहाँ पर बादल फटने की उम्मीद नजर आ रही है। जालौन, हमीरपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, भदोही, जौनपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गहरे काले बादल जबरदस्त तरीके से छाए हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, औरैया, बिजनौर, महोबा, कानपुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, गाजीपुर, फतेहपुर, जौनपुर, भदोही, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, रामपुर, मुरादाबाद, मथुरा, चंदौली, चित्रकूट, मिर्जापुर, बांदा, देहात नगर, इनमें जबरदस्त बारिश का कहर बना हुआ है। मौसम विभाग की रिपोर्ट देख लीजिए कि झारखंड की तरफ अब डीप डिप्रेशन बना है, मानसून एक्टिव इस तरफ बढ़ रहा है तो जबरदस्त बारिश अपने उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ये देखिए मौसम विभाग की इस रिपोर्ट से आज की आपको अवगत करा देते हैं। यह है आपके सामने आज 4 अगस्त का मौसम विभाग का ताजा अपडेट। इंडिया मेट्रो डिपार्टमेंट ने अपने प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया है, भारी बारिश का साइन भी है। गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी और कुछ क्षेत्रों पर बिजली भी गिर सकती है, इसलिए सतर्क और सावधान हो जाइए। अपना उत्तर प्रदेश देखें तो यह है अपना उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट है, येलो अलर्ट के साथ यहां पर गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश बताई है। और इसी के अलावा यहां पर पूर्वांचल में अलर्ट जारी किया है और यहां पर तो गर्जना के साथ भीषण बारिश आपको देखने को मिलेगी। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि सोनभद्र है, मिर्जापुर है, यहां पर रेड अलर्ट जारी किया है क्योंकि यहां पर भी मानसून एक्टिव का डीप डिप्रेशन बना हुआ है, इसलिए जबरदस्त बारिश हो सकती है। यदि हम ये रिपोर्ट पूरा मैप के माध्यम से देखते हैं तो इसमें स्पष्ट नजर आएगा कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले अपने उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं और इस क्षेत्र में कौन से हैं, पूर्वांचल की क्या स्थिति बनी हुई है, उस मैप के आधार पर भी आपको ये रिपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। यह है अपना उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मैप की स्थिति देखते हैं तो आज जो मानसून का डीप डिप्रेशन बना हुआ है वो ये झारखंड राज्य की तरफ बना हुआ है, इसलिए ये जो क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का अपने ये जो क्षेत्र है जिसमें मिर्जापुर है, सोनभद्र, चंदौली है, यहाँ पर बादल फट सकते हैं, यानी कि जबरदस्त यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। यहाँ पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यूँ तो इसका असर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पूरे में देखने को मिलेगा। जो ये क्षेत्र आपको नजर आ रहा है इस क्षेत्र में जबरदस्त गहरे काले बादल छा सकते हैं जिसमें इलाहाबाद है, संत कबीर नगर, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा है, फतेहपुर है, रायबरेली है, अमेठी है, सुल्तानपुर है और खासकर वो जिले जो मध्य प्रदेश राजस्थान से लगे हुए हैं इन जिलों में तो आपको जबरदस्त बारिश का असर देखने को मिलेगा। मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा है और औरैया है, जालौन है, झांसी है, महोबा है,
और हमीरपुर है, कानपुर है, कानपुर देहात है, उन्नाव है, ये जो क्षेत्र आपको नजर आ रहा है जबरदस्त यहाँ पर बारिश का कहर बना हुआ है। जो इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे पूर्वांचल में भी स्थिति, पूर्वांचल में अलर्ट जो था ये ऑरेंज अलर्ट, और इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में भी येलो अलर्ट था, भारी बारिश का साइन था, जिसमें सहारनपुर है, बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है, बागपत है, मेरठ है, मुरादाबाद है, रामपुर, बरेली है, पीलीभीत है, झांझापुर है, बदायूं है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ है, हाथरस है, एटा है, यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से गहरे काले बादल छाए हुए हैं। लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिली है और आज जबरदस्त बारिश होने की उम्मीद भी मौसम विभाग ने बताई है। देखते रहेंगे आपको ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के।